सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल शुरू किया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके तहत वे सभी अपनी सेवाएं बंद कर 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर राज्य सरकार तक पहुँचाने प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में लगभग 2500 अलग अलग विभाग के संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार से अपना हक मांगने सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं आज हमारे जो प्रांतीय टीम है उनके आह्वान पर दुर्ग जिले की हमारी जो टीम है, जो हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके आह्वान पर आज से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का श्री गणेश हो गया है। तो मैं सरकार मीडिया के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का विशेषकर जो कार्य हो या जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जैसे मलेरिया टीबी या हमारे ANM बहनें जो टीकाकरण का कार्य करती है, जो त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो निश्चित ही प्रभावित हो रही है और इससे निस्संदेह जनता में रोष जाएगा और सरकार को इसके लिए केवल एक ही एकमात्र विकल्प है कि जल्दी से जल्दी संविदा कर्मचारियों का नियमितरण किया जाए ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए या अन्य विभाग के जो पंचायत विभाग शिक्षा विभाग की जो सेवाएं हैं वो निरंतर चलती रहें। तो अनियमित कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और यहाँ पे हम नियमितीकरण एक लक्ष्य मांग हमारी है और हम पिछले 2017 में भी जब इस मांग को लेकर हम हड़ताल किए थे तो जब कांग्रेस सरकार जो पद में नहीं थी वो हमारे मंच में आई, आश्वासन दिए और हमें अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा किया और किए भी, लेकिन हमारी जो वादा जो किया है सर उस पर उन्होंने कभी भी अमल नहीं किया और हम बार बार बीच बीच में फिर अपने संविदा कर्मचारी संघ जो है वो हड़ताल पे रहे और हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं और 3 तारीख से हमारा ये हड़ताल स्टार्ट है आज से। कम से कम 2500 कर्मचारी से विभाग है अलग अलग, NHM विभाग हो गए, पंचायत विभाग हो गए, मनरेगा के हो गए, तो पूरे 2500 कर्मचारी यहाँ पे शामिल हुए। हम बस हमारी एक ही मांग है कि हमको नियमितीकरण चाहिए, जो हमारे साढ़े चार साल पूरे जो हमारी जो सरकार थी उन्होंने किया था, वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, वो अभी 10 दिवस के अंदर, तो उसी मांगों को लेकर हम लोग एक ही मांग पे अपने लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आगामी तो वही अभी 5 दिवसीय अपने जिला स्तर पे है, जैसे ही अपना 7 तारीख तक तो जिला स्तर पे 8 और 9 अब जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, फिर 10 तारीख से राज्य स्तरीय मांग पे है, तो वही है आर या पार की लड़ाई इस बार, नियमितीकरण तो नहीं है, नियमितीकरण लेकर ही रहेंगे। महत्वपूर्ण एक ही मांग है हमारा नियमितीकरण करने का, शासन द्वारा हमको 2018 से पहले हमारे मंच में आकर यह बोला गया था कि हमारे सरकार जैसे ही आएगी सत्ता में हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे करके, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे यहाँ हमारे शासन को बैठे हुए 4.5 साल गुजर गए हैं और नया चुनाव प्रक्रिया आने वाली है और हमारा नियमितीकरण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमने नहीं कहा था कि जन घोषणा पत्र में हमको नियमितीकरण किया जाए। हमारे मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी आके खुद बोला था कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा करके और घोषणा पत्र के आधार पे हमारा निरंतर आंदोलन जारी है और यह जारी रहेगी। आज वही के बैनर चलते हुए हमारा 5 दिवसीय का यहाँ पे हड़ताल जिला स्तर पर रखा गया है, 3 तारीख से हम सभी साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपना आगे कदम रख चुके हैं और जिले स्तर पर हमारा कार्यक्रम 5 दिवसीय है, फिर 10 तारीख से हमारा आक्रोश, हमारा जो शासन के प्रति हमारा जो भावना है, क्रोध है, जो हमें अभी तक से नियमितीकरण का वादा किया था वो पूरा नहीं किए हैं, तो राज्य स्तरीय तौर पर 10 तारीख से हम आगे निश्चित मतलब नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में राज्य के में जाएंगे। देखना होगा राज्य सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।